हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है आलोक भारतीय, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कभी कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है ना दोस्त, इसको दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपको इंस्टेंट बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हो दोस्त, भाई गूगल क्रोम एक्सटेंशंस, ऐसे कौन से गूगल क्रोम एक्सटेंशंस है जो कि एक डिजिटल मार्केटियर या तो SEO एनालिस्ट या तो एक ब्लॉगर को कम व्हाट में यूज़ करना ही करना है। और ये जो एक्सटेंशंस है ना यार, आज के डेट पे आज नहीं, आई एम यूजिंग इट फॉर मल्टीपल ईयर्स। और कहीं ना कहीं मैं अपने ग्रोथ के पीछे इन एक्सटेंशंस को काफ़ी काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। दीज एक्सटेंशंस आर द रीजन्स बिहाइंड माई मार्केटिंग ग्रोथ एंड ऑल्सो रीजन बिहाइंड माई क्लाइंट्स मार्केटिंग ग्रोथ ऑल्सो। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एक्सटेंशन जो है दोस्त, जो कि आपको करना ही करना है, जो कि मेरे जैसे कंसल्टेंट एजेंसी ओनर या तो ट्रेनर को बहुत हेल्प करता है, दैट इज वेपलाइजर। वेपलाइजर एक ऐसा गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, वो आपको कब हेल्प करेगा। देखो कभी कभी क्या होता है यार, हमारे पास बहुत सारे लीड्स आते हैं, कभी कोई क्लाइंट मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, यार मेरे को अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी ऑडिट द साइट। साइट्स ऑडिट करते हैं, अपने क्लाइंट प्रोस्पेक्ट्स के साइट ऑडिट करते हैं, क्लाइंट्स प्रोस्पेक्ट्स और मेरे कस्टमर्स के कॉम्पिटिटर के साइट भी हम लोग ऑडिट करते हैं। सो गूगल क्रोम एक्सटेंशन का एक बेनिफिट है कि कोई भी एक्सटेंशन हो आपका काफ़ी टाइम बचाता है। ऑन द मूव, ऑन द फ्लाई, वो आपको बहुत क्विक रिपोर्ट आपको दे देगा, जो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत हेल्प हो जाता है कोई भी एक्टिविटी हो। तो वेपलाइजर एक ऐसा गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जो कि ऑन द मूव, व्हाट विद जस्ट वन सिंगल क्लिक, वो आपको कोई भी साइट का जन्म कुंडली निकाल कर दे देगा। जन्म कुंडली एज इन वो साइट का बिल्ट क्या है, बिल्ट एज इन उसका कौन सा प्लेटफॉर्म पे बनाया गया, डेवलप है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कौन सा कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे है, जूमला पे है, मजेंटो पे, वर्डप्रेस पे है, किस पे है, राइट। एंड इट विल ऑल्सो गिव कि क्या क्या एनालिटिक्स टूल्स उस पर हैं, क्रेजी फ्रॉग है, किस मेट्रिक्स है, गूगल एनालिटिक्स है, एडोब एनालिटिक्स है, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या सोशल मीडिया विजेट्स यूज़ कर रहे हैं, उनका बैकएंड, उनका वेब सर्वर क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड टू एंड टेक्निकल बिल्ट, प्लस उनका क्या क्या पेरिफेरल विजेट्स, पेरिफेरल एक्स्ट्रा एड ऑन यूटिलिटीज़ क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इट विल गिव यू जस्ट इन वन सिंगल क्लिक। तो हमें बहुत बार हेल्प हो जाता है ये समझने के लिए कि यार सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसका दिक्कत क्या, उसका बिल्ड क्या है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग इन जस्ट वन सिंगल क्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो वर्क कर रहा है इस फील्ड पर। अगर आप एक प्रोफेशनल हो या तो फ्रीलांसर हो तो आप ये चीज बहुत इजीली समझ सकते हो, ये टूल का कितना इंपॉर्टेंस है। जस्ट वन सिंगल क्लिक बॉस, ओके जावा पे है, ओके मजेंटो पे, वर्डप्रेस पे, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। हम लोग वर्डप्रेस के साइट्स बनाते हैं, ई कॉमर्स साइट्स पे, ई कॉमर्स पे डेवलप करते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं जिनका बिल्ट ऐसा होता है, पाइथन पे होता है, मजेंटो पे होता है, यार वो कस्टमाइज नहीं कर पाते बाद में। तो हम लोगों को फटाफट से पता चल जाता है ओ उनका जो बिल्ट है उनका दिक्कत है, कैसे, विद जस्ट वन सिंगल क्लिक। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन जो कि यार मैं यूज़ करता हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि वेटरन ब्लॉगर है, बहुत ब्लॉगिंग करते हैं, क्लाइंट्स लोगों के लिए ब्लॉग करते हैं या तो खुद का ब्लॉग चलाते हैं, और एवरी वंस इन ए व्हाइल उनका टाइम जाता है कीवर्ड्स निकालना, माइक्रोनिश कीवर्ड्स निकालना, कीवर्ड रिसर्च करना, कीवर्ड्स एवरीवेयर। बहुत अच्छा टूल है दोस्त, बहुत अच्छा गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। ऑन द मूव, ऑन द फ्लाई, आपको माइंड में देखो मैं ड्राइव करता हूँ, कभी मेट्रो पे जा रहा हूँ, ऑटो पे जा रहा हूँ, कैब में जा रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, अपने फैमिली के साथ पिकनिक पे हूँ, फैमिली फंक्शन, तो मतलब हर जगह से कीवर्ड्स का आइडियाज आते हैं, ठीक है, अरे यार ये कीवर्ड क्या अनएक्सप्लोर्ड तो नहीं है, तो फटाफट से हम फटाफट से गूगल क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ करके उसका कंट्री वाइज उसका कंपटीशन चेक कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना, हमेशा गूगल कीवर्ड प्लानर पर लॉग इन करो, फिर कीवर्ड आइडियाज डालो करो, तो ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कीवर्ड एवरीवेयर जो भी आपके माइंड में है फटाफट से उसे गूगल के सर्च पे डालो, विथ जस्ट वन सिंगल क्लिक उसका कंट्री वाइज कॉम्पिटिशन दिखा देगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस करने में, प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में। नंबर थ्री प्लगइन, मोज जो कि SEO वर्ल्ड में है उन्हें पता होगा यार मोज कितना हेल्पफुल प्लगइन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। मोज बहुत पुराना कंपनी है और मोज के जो KPIs होते हैं, या तो आप कह सकते हो मोज के जो रिपोर्ट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय गूगल।
तो मोज अगर आपका इंस्टॉल्ड है, सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगा कि आपके ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं उनका डीए पीए और उनका कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, वो तो आपको विद जस्ट वन सिंगल क्लिक पता चल जाएगा। प्लस आपको कोई भी वेबसाइट का उनका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर पे क्या टैग्स पड़े हुए हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लस स्पैम स्कोर, ट्रस्ट स्कोर जैसे भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको मोज से मिल सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव प्लगइन भी है एसईओ क्वेक, इस पे आपको अलेक्सा रैंकिंग, एसईओ क्वेक रैंकिंग भी मिल जाएगा। यू कैन चूज एनी ऑफ दिस। ज़्यादा गूगल क्रोम एक्सटेंशंस भी ना मत घुसेड़ लो अपने क्रोम पे यार, स्लो हो जाता है कभी कभी क्रोम, राइट? इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन दैट आई विल रिकमेंड फॉर एवरी कॉन्टेंट मार्केटर, एवरी डिजिटल मार्केटर, ग्रामरली। ग्रामरली देखो एक ऐसा टूल है कि जो कि आपको ऑन द फ्लाई आपको कॉन्टेंट को फिल्टर करने में, एडिट करने में और उसको क्वालिफाई करने में, या तो कह सकते कंटेंट की क्वालिटी बनाने में ग्रामरली ग्रामर चेक करता है। अगर आप एक एक एडिटर नहीं हो, प्रूफ रीडर नहीं हो, फिर भी आप राइटिंग में पैशनेट हो, अगर आप एक ब्लॉगर हो जो कि आपके माइंड में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं राइटअप के लिए, आप लिखते हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं हो सकता, तो ग्रामरली इज द बेस्ट टूल फॉर यू। आज के डेट में कंपनीज के अंदर जितने भी बड़े बड़े सेल्स हेड हैं, मार्केटिंग हेड हैं, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, सीएक्सओ लेवल के पीपल, जो कि एवरी वंस इन ए वाइल जो मेल्स करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं कम्युनिटीज पे, तो वो यूज करते हैं ग्रामरली। मैं बहुत यूज करता हूँ ग्रामरली अपने मेल्स को चेक करने के लिए, प्रूफ रीड करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए, ब्लॉग्स करने के लिए। ग्रामरली इज वन ऑफ माई लाइफ सेविंग टूल्स। ठीक है, तो आप ग्रामरली यूज कर लो। द नेक्स्ट इज ट्यूब बडी। एक यूट्यूबर हूँ तो जो यूट्यूबर है उसको पता होगा यार, टुमोरोज सर्च इंजन इज ओनली यूट्यूब। सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है प्लानेट के ऊपर, गूगल के बाद यूट्यूब है। तो अगर आप वीडियो कॉन्टेंट नहीं बना रहे हो देन यू आर लूजिंग द गेम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ट्यूब बडी एज ए यूट्यूबर मेरे को कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले ट्यूब बडी मेरे को एक एसईओ का फ्रेमवर्क, एसईओ का प्लेटफॉर्म दे देता है। मुझे बताता है कि यार टाइटल टैग में कितना जाना है, टाइटल पे कितना जाना है, कंटेंट कैरेक्टर लिमिट क्या है, प्रॉपरली कैसे यूट्यूब का एसईओ वर्क करता है विद प्रॉपर कैरेक्टर लिमिट, टाइटल में कितना कैरेक्टर, तो वो लिमिटेशन चेक देता है मेरे को। डिस्क्रिप्शन के अंदर कितना कैरेक्टर लिमिट जाना है। ठीक है, इट हेल्प्स मी, देखो इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू डू अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस ऑल्सो। कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर चैनल है अगर मेरे क्लाइंट का, प्रोस्पेक्ट का कोई भी कॉम्पिटिटर चैनल है अगर, तो उन कॉम्पिटिटर चैनल्स के अंदर उनका स्ट्रैटेजी क्या, वो क्या टैग्स कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसका सारा डेटा मेरे को दे सकता है, राइट? सो देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू थ्रू ट्यूब बडी टूल। एक फ्री वर्जन में ही काफी हेल्पफुल है। ठीक है, आप ट्राई करो अगर आप एक यूट्यूबर हो। देन कम्स फुल एंड फाइनल दोस्त similarweb.com। similarweb.com का एक एक वेबसाइट भी है, सिमिलर वेब का एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन भी है जो आप यूज कर सकते हो। देखो ऑन द मूव क्या होता है कि हमें अपने क्लाइंट को काफ़ी रिपोर्ट्स भेजने होते हैं, साइट ऑडिट भी करना होता है इन टर्म्स ऑफ क्या साइट ऑडिट, उनके उनका मंथली ट्रैफिक कितना है, ग्लोबल उनका रैंक कितना है, ग्लोबली कैसे रैंक कर रहा है एज ए वेबसाइट प्रॉपर्टी, उनके एक पर्टिकुलर निश कैटेगरी में उनका रैंक क्या है, उनका बाउंस रेट क्या है, उनके ट्रैफिक के अलग अलग सोर्सेज क्या है, डायरेक्ट कितना ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक है, सोशल कितना ट्रैफिक है, ईमेल से कितना ट्रैफिक है, रिफरल से कितना ट्रैफिक है, ये सारा डेटा। तो ये सारा डेटा हमें जरूरत पड़ता है क्लाइंट को वीक ऑन वीक रिपोर्ट प्रेजेंट करने में, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट सर्विस का। प्लस कोई नया क्लाइंट अगर आ रहा है, ठीक है, वी ऑल्सो नीड देम टू गिव अ करेंट वेबसाइट एनालिसिस और करेंट वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस। तो सिमिलर वेब एक ऐसा टूल है यार, उस पर आप क्लिक करो, ऑन द मूव, ऑन द फ्लाई, इट विल गिव यू द एंटायर जन्म कुंडली, व्हाट्स गोइंग ऑन योर साइट, कितना ट्रैफिक है, एवरेज टाइम स्पेंड कितना है साइट पे, ठीक है, कितने पेजेस पर विजिट हो रहे हैं, कितना बाउंस रेट है, ट्रैफिक अलग अलग सोर्सेस क्या है, टोटल फ्लो क्या है ट्रैफिक है, ईच एंड एवरीथिंग। यूज इट, दिस इज एन अमेजिंग टूल। सो गाइज, दीज आर द 6 टूल्स और गूगल क्रोम एक्सटेंशन आई यूज। बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन यूज करता हूँ, अगल अगल बात करूँ तो बहुत सारे यार, गूगल टैग मैनेजर, पिक्सेल हेल्पर, पता नहीं बहुत सारे हैं, बट फॉर मस्ट हैव सिचुएशन जो कि एक ब्लॉगर डिजिटल मार्केटर होना है भाई, दिस 6 गूगल क्रोम एक्सटेंशन इज फॉर यू। सो गाइज, आई होप दैट यू एंजॉय द वीडियो। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज भाई कमेंट करो, कमेंट सेक्शन को ना दिल खोल के यूज करो। आई एम हियर टू एम्पावर ईच एंड एवरी एवरी बडिंग digital entrepreneur. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.